नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो हम फिबो रिट्रेसमेंट यूज करते हैं इसके बारे में बताता हूँ और इसके हम कौन कौन से लेवल यूज करते हैं वो देखिए, आइए देखते हैं। देखिए, जो हमने इस पे काफ़ी स्टडी की है और काफ़ी कुछ टेस्टिंग करने के बाद हमने पाया कि जो इसके लेवल हैं 0.618 और 0.5, जो 50 लेवल होता है उसको मार्केट काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट करता है उसकी, या काफ़ी अच्छे से रिएक्ट करता है मार्केट उस जगह पर। तो हम इससे मार्केट की रुकावट या एंट्री के लिए अगली पोजीशन देख सकते हैं। तो देखिए, इसको हम स्विंग इस वाले लो से और हाई के लिए यूज करेंगे अगर हमें मार्केट की गिरते हुए रुकावट देखनी है उधर से जब मार्केट इधर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे इसने इसको मार्केट को रिस्पेक्ट किया मार्केट ने इसको, और इसका यूज अगर हम दूसरी साइड से करें तो मार्केट की हमने इसकी दोबारा से एंट्री के लिए यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट करके मार्केट दोबारा नीचे गया है। तो ये 50 जो लेवल होता है इसकी काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट करता है ये मार्केट फिबो की। तो इस काफ़ी टेस्टिंग के बाद इसको हमने पाया है, और देखिए हम कंटिन्यू भी इसका यूज कर सकते हैं कंटिन्यू गिरावट जानने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे फिबो यूज किया है इसने ये वाला इस गिरावट का, और फिर से इस गिरावट की जो रुकावट दी है इसने ऊपर जाते हुए वो भी फिबो 50 है, और फिर गिरावट के बाद फिर से इसने फिबो यूज किया है। तो इस तरीके से हम इसका यूज करके मार्केट में या तो पोजीशन बनाने के लिए एक इसका यूज कर सकते हैं, या फिर रुकावट देखने के लिए इसको हम प्रयोग में ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही प्रोजेक्शन और जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।